Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज के स्टार्ट करते हैं Realme के साथ है Realme 6 Pro स्मार्टफोन का लाइटनिंग रेड कलर वेरिएंट फाइनली बहुत टाइम की वेट के बाद इंडिया में लॉन्च हो चुका है और फ्लिपकार्ट की जो सेल होगी उसमें ये अवेलेबल होगा। इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द Realme 6 Pro लाइटनिंग रेड कलर वेरिएंट, अब आपको ज्यादा इंतजार इंडिया में नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं एप्पल की तरफ। एप्पल की अपकमिंग मैकबुक एयर जिसका मॉडल नंबर है A2389, इसकी बैटरी अब कोरिया की सेफ्टी कोरिया सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे स्पॉट कर ली गई है। सो इफ इन केस आप वेट कर रहे हैं अपकमिंग मैकबुक एयर का, एक मैकबुक एयर जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ। Xiaomi का Mi TV Stick इंडिया में लॉन्च हो चुका है, 2799 इसकी प्राइसिंग है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपको Mi TV बॉक्स लगता है बहुत बड़ा है, उसको आप यू नो कैरी अराउंड नहीं कर सकते, Mi TV Stick माइट बी द वन फॉर यू। 2799 रुपीज इसकी प्राइसिंग है। इसकी कॉम्पिटिशन में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन Xiaomi's प्रोडक्ट्स, हो सकता है आप Mi TV Stick को परचेज करना चाहें। आगे बढ़ते हैं Samsung की तरफ। Samsung Galaxy A42 जो कि Samsung का एक मिड रेंज 5G स्मार्टफोन होने वाला है, आज हम लोगों ने इसको स्पॉट किया था Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे। Geekbench डेटाबेस वेबसाइट की अगर हम माने तो Samsung Galaxy A42 में मिलेगा Qualcomm Snapdragon 690 5G प्रोसेसर। 690 एक एंट्री लेवल 5G प्रोसेसर है और इसमें हमें साथ में मिलेगी 4GB की रैम, और यही स्मार्टफोन सेफ्टी कोरिया सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी आ चुका है। एंड उस सर्टिफिकेशन की अगर हम माने तो Samsung Galaxy A42 में हमें मिलेगी एक 5000mAh बैटरी। 5000mAh, 6000, 7000mAh बैटरी ना Samsung के A सीरीज और M सीरीज के लिए कोई बहुत नई चीज नहीं है। Samsung Galaxy A42 जब भी आएगा, इसकी की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और साथ साथ Samsung का अपकमिंग Samsung Galaxy M51 स्मार्टफोन ये भी जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, बिकॉज इस स्मार्टफोन को भी आज सुबह में स्पॉट कर पाया था NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। NBTC पे जैसे ही कोई स्मार्टफोन यू नो सर्टिफाई होता है उसके बाद उसकी लॉन्च डेट ज्यादा दूर नहीं होती। सो यस, वी कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट Samsung Galaxy M51 टू लॉन्च वेरी सून। आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ फिर से। Xiaomi का Mi 10 एक्सट्रीम एडिशन, इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो चुका है, Mi 10 प्रो प्लस, Mi 10S, Mi 10 Pro Plus, Go Pro Edition, बहुत सारे अलग अलग इसके नाम आए थे। Qualcomm Snapdragon 865 Plus प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। 100 वॉट्स प्लस की हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 100x तक का इसका जूम होगा, इसके प्रोटेक्टिव कवर वगैरह भी लीक हो चुके हैं। अब फाइनली Xiaomi ने अपनी तरफ से ऑफिशियली कंफर्मेशन हमें दे दी है, ये 11th ऑफ अगस्त को Xiaomi की 10th एनिवर्सरी इवेंट पे लॉन्च होने वाला है ये स्मार्टफोन। इसका नाम होगा Xiaomi Mi 10 Extreme मेमोरियल एडिशन। अब चाइनीज में इसका नाम लिखा गया है, सो इसकी अगर रफ ट्रांसलेशन हम देखें तो यही है कि यार एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा है। एंड ऑफकोर्स Xiaomi Mi 10 सीरीज ऑलरेडी आ चुकी थी, उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट आएगा और इसका जो पोस्टर वगैरह है वो वीवो पे आ चुका है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं iQOO की तरफ। iQOO 5 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन हो सकता है, मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले। iQOO 5 स्मार्टफोन से सबसे पहले बात करते हैं, 17th ऑफ अगस्त को लॉन्च हो रहा है ये चाइना में, एंड आज कंपनी ने ऑफिशियली अनवील कर दिया कि iQOO 5 विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्टफोन टू फीचर अ TUV सर्टिफाइड 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग कमर्शियली जो कि अवेलेबल होगी। अभी के लिए कमर्शियली 65 वॉट्स तो हमारे पास है ही है, 90 वॉट्स तक की बातें तो चल रही है, बट 120 वॉट्स का पहला स्मार्टफोन होगा iQOO 5। एंड इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज निकल के आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया 120 वॉट्स, इसके अलावा होगा Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर, 865 प्लस नहीं होगा। और इसके अलावा दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्पॉट किया चाइना की जो JD.com वेबसाइट है, जो कि फ्लिपकार्ट की तरह की चाइना की ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पे भी लिस्ट हो चुका है iQOO 5, बट उसके साथ iQOO 5 प्रो स्मार्टफोन भी लिस्ट हो चुका है। अभी के लिए कंफर्मेशन तो नहीं है, बट हो सकता है कि iQOO 5 प्रो स्मार्टफोन भी लॉन्च हो। और उसी के साथ डिजिटल चैट स्टेशन ने iQOO 5 का जो हायर एंड वेरिएंट है, उन्होंने ऐसा लिखा है कुछ, उसको चाइनीज में से इंग्लिश में हमने जब ट्रांसलेट किया तो बन रहा है iQOO 5 का हायर एंड वेरिएंट, हो सकता है iQOO 5 हो, उसमें वो कह रहे हैं कि कर्व डिस्प्ले मिलेगी और सैमसंग का एमुलेट पैनल होगा। सो बहुत सारे लोग इस चीज का वेट कर रहे थे, एंड यस आई एम वेरी हैप्पी कि iQOO सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स में हमें कर्व डिस्प्ले अब देखने को मिलने वाली है। दिस इज व्हाट द अपकमिंग iQOO 5 और द iQOO 5 प्रो स्मार्टफोन इज गोइंग टू लुक लाइक। आगे बढ़ते हैं गूगल की तरफ। गूगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन तो लॉन्च हो चुका है, बट अब लॉन्च होना है गूगल पिक्सल 5। अब एक नई रिपोर्ट निकल के आई है गूगल पिक्सल 5 स्मार्टफोन के बारे में। अगर इस रिपोर्ट की हम माने तो गूगल पिक्सल 5 में हमें मिलेगी एक 6.67 इंचेस की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले।
अब ये अच्छी खासी डिस्प्ले होगी। ऑफ कोर्स गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स में हमें अच्छा कैमरा तो मिलता ही मिलता है, बट गूगल पिक्सल 5 में हमें एक 120 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। बट सैडली अभी तक मुझे नहीं लगता कि गूगल पिक्सल 5 के इंडियन लॉन्च के बारे में कुछ भी ऑफिशियल न्यूज है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या बनता है, बट अभी के लिए आप ये लेके चलिए कि गूगल पिक्सल 5 सीरीज भी जस्ट लाइक द गूगल पिक्सल 4 इंडिया में लॉन्च नहीं होगी। उन्होंने गूगल पिक्सल 5A के बारे में भी बाय द वे यही बात कही थी कुछ टाइम पहले। आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ। Realme C15 स्मार्टफोन इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है। Realme का फर्स्ट एवर स्मार्टफोन 6000 mAh बैटरी 18 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च हो चुका है। वहां पे इंडियन लॉन्च के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि यस इंडिया में भी आएगा Realme C15 और Realme C12 भी आ सकता है। अब यहां पे कंफर्मेशन हो चुकी है कि Realme C15 तो आ ही रहा है, बिकॉज इंडिया का जो Realme का सपोर्ट पेज है ऑफिशियल, वहां पे इसको हम लोगों ने स्पॉट कर लिया Realme C15 को। आपको मैं स्क्रीन पे इसके स्क्रीनशॉट को दिखा रहा हूं। Realme C15 जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आगे बढ़ते हैं पोको की तरफ। एंड सुबह की टेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि पोको का एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जो OnePlus Nord को कम्पीट करेगा। कैसे करेगा ये तो टाइम बताएगा, मैं बताऊंगा या पोको बताएंगे, बट यस आज वापस एक हिंट किया है पोको के ऑफिशियल्स ने। वो कह रहे हैं कि इसी महीने के अंदर अंदर हमें पोको का जो अपकमिंग स्मार्टफोन है उसके बारे में डिटेल्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। दैट मींस इस महीने तो लॉन्च नहीं होगा। मैं पहले से भी आपको बोलता आ रहा हूं अगस्त महीने में नहीं लॉन्च होना ये स्मार्टफोन, थोड़ा सा आगे लॉन्च होगा, बट जैसे ही लॉन्च होगा आई कीप यू पोस्टेड। जैसे ही मतलब कुछ भी इसके बारे में बातें आएंगी यहीं पे आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। हैशटैग जो उन्होंने यूज किया था वो उनके यूज करने से पहले ही मैं यूज कर चुका था। अगर आप ट्विटर पे देखते हैं मेरे ट्वीट्स वगैरह को तो आपको पता होगा ये पोको का एक स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च होने वाला है और ये OnePlus Nord को कम्पीट करेगा। सॉफ्टवेयर बेसिस पे तो आई एम प्रीटी श्योर नहीं कर पाएगा, वो हमें सबको पता है, बट यस हार्डवेयर फ्रंट की अगर हम बात करें तो अगर नॉट को कम्पीट कर रहा है ये स्मार्टफोन तो ऑफकोर्स एक 5G प्रोसेसर यहाँ पे होने के चांसेस हैं। स्नैपड्रैगन 765G होगा या 865 होगा क्या होगा ये तो टाइम बताएगा, बट यस पोको का स्मार्टफोन अगस्त महीने में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हमें ज्यादा वेट इसके बारे में अब नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट न्यूज की तरफ। OnePlus Nord लॉन्च हो चुका है। OnePlus Nord Billy 1 Billy 2 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट अब एक स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स में OnePlus का एक नया स्मार्टफोन Geekbench डेटाबेस वेबसाइट पे लिस्ट हुआ है जिसका नाम है OnePlus Clover। OnePlus Clover का Geekbench स्कोर है माइंडेड Geekbench 5 है, ये Geekbench 4 नहीं है। सो स्कोर्स आर अकॉर्डिंगली, सिंगल कोर स्कोर है 336 और मल्टी कोर स्कोर है 1495। ये स्मार्टफोन रन करेगा एंड्रॉइड 10 पे। 1.84 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर होगा इसमें। 4GB RAM होगी, चलो RAM ठीक है, Android 10 मान लिया, बाकी सारी चीजें ठीक है। Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर पे कैसे एक OnePlus का स्मार्टफोन 2020 में लॉन्च हो सकता है ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बट यस एक स्मार्टफोन लिस्ट हुआ है, मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी था। OnePlus Clover करके एक स्मार्टफोन है, अगर ये बहुत कम चांस है कि लॉन्च होगा, बट इफ एट ऑल इट लॉन्चेस ये बहुत ही एक सस्ता, मतलब लगा लो आप 10 से 15 की रेंज में अगर स्मार्टफोन हो तो हो। अभी के लिए मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यार ये स्मार्टफोन क्यों एग्जिस्ट करता है। अगर Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर है और OnePlus ऐसे प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन एक लॉन्च कर रहा है 2020 में, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट स्टिल Geekbench पे आया है तो मेरे को रिपोर्ट करना जरूरी है। एंड वी शुड नो Geekbench लिस्टिंग्स हमेशा सही नहीं होती, हो सकता है स्मार्टफोन कभी भी लॉन्च ना हो, बट हो सकता हो भी जाए। आपको क्या लगता है कि ये OnePlus Clover स्मार्टफोन जो होगा, मॉडल नंबर है इसका, अभी के लिए कोड नेम है, ये जो भी स्मार्टफोन है अगर ये लॉन्च होता है OnePlus का एक स्मार्टफोन Snapdragon 660 प्रोसेसर के साथ, क्या आप इसको लेना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो में कमेंट से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने पोल में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द प्राइसिंग ऑफ द एंड वेरिएंट ऑफ Redmi 9 Prime, ओवर प्राइस सबने कहा, और व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द प्राइसिंग ऑफ द बेस वेरिएंट, वेल प्राइस सबने कहा। वही बात जो मैं कह रहा हूं वही यहां पे भी है। एंड क्या कर सकते हैं, अभी के लिए रिव्यू वगैरह भी नहीं आए हैं, वेदर और नॉट दिस फोन इज एक्चुअली गुड, ओनली टाइम वुड टेल। देखते हैं अब अगर रिव्यू यूनिट आती है तो मैं आपको देख के बता दूंगा उसमें प्रीवियस इश्यूज हैं कि नहीं है, ये सारी चीजों के लिए हमें थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। और आज की वीडियो का पोल भी आप लोगों के लिए यही है कि अगर OnePlus एक Snapdragon 660 प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लॉन्च करता है क्या आप उसको इंटरेस्टेड होंगे लेने में, कमेंट सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो खत्म करते हैं कल के कमेंट्स के साथ। डिसूजा साहब कह रहे हैं, हाय यू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच यू कैन, दैट इज द रीजन आई प्रेफर यू बिफोर समवन एल्स,
You are so genuine with the stuff you provide. Thank you very much for your quality videos. Thanks a lot for that, brother. And I'll keep on providing you with quality content. About content, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार हमारी videos बहुत लंबी होती हैं. So आज मैं try कर रहा हूँ जितना जल्दी मैं video आपको बना के दे पाऊँ. I'm really sorry जो die hard fans हैं. अगर आपको लग रहा है कि ये चीज गलत है, आप comment section में एक बारी मेरे को बता सकते हो कि यार नहीं, वो 20-25 minute वाली video ही आपको चाहिए. But seriously, अगर मेरे को कोई चीज एक्सप्लेन करनी होती है और उसमें मैं टाइम लेता हूं और उसके बाद कमेंट में मिले कि आपने 8 मिनट Redmi 9 के बारे में बात की, आई होप द एंटायर इंटेंट जो है ना मेरा वो क्लियर होना चाहिए. यहां पे मैं आपको खाली न्यूज प्रोवाइड नहीं करता, आई वांट टू कीप यू अपडेटेड विद ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है ना, मेरा काम क्या है, मैं बोल दूं हाँ ये फोन लॉन्च हुआ है, 9000 का 10000 का लेना ले लो, नहीं लेना मतलब मुझे क्या, आई एम अ लीकर देखा जाए तो. बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन भी खराब है ना उसका भी मैं रिप्लाई करूँ. दैट्स वाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग. और अभी भी देखो मैं फ्लो में जा रहा हूँ, बट नहीं कट, इसके बारे में ये नहीं बोलूंगा. आप वैसे हमें बता सकते हो आज कम्युनिटी में, चलो एक और पोल रखते हैं. क्या आपको लगता है कि हमारी वीडियो 10 मिनट से कम होनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जो हमारा पैकेज होता है लीक्स न्यूज और यू नो व्यूज रिव्यूज और आपसे एंगेज करने का, वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहना चाहिए. आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके मेरे को बोल करके बताओ. एंड ट्रस्ट मी, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, अगर आप कहोगे 10 मिनट से कम की वीडियो ना, कंटेंट इतना ही होगा उसको मैं कॉम्पैक्ट कर दूंगा. मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बोलूंगा डिस्क्रिप्शन है लिंक में देख लो. बट अगर आप बोलोगे कि यस 20-25 मिनट वाली वीडियो चल रही है, फिर प्लीज इट विल बी माय रिक्वेस्ट कि यार हम बार बार कमेंट में लिखें, वो क्या मतलब बनता है उस बात का नहीं. ओके, बट यस अगर आप कहते हो कि वीडियो हमारी 20-25 मिनट की ही बननी चाहिए, आई प्रॉमिस यू आपको कंटेंट जितना मैं पहले देता रहा हूं उतना ही मिलता रहेगा. बट आज की वीडियो थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट यहां पे कर रहे हैं. खालिद खान साहब आगे कह रहे हैं, लव योर वीडियोस, बेस्ट यूट्यूबर, ऑनेस्ट रिव्यूअर, लव फ्रॉम अफगानिस्तान, लव यू टू ब्रदर, एंड आई एम सरप्राइज टू सी कि इंडिया से बाहर भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं. थैंक्स अ लॉट खालिद साहब फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, कीप ऑन डूइंग दैट. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन डू इट ऑलरेडी. रोहित आगे कह रहे हैं, क्या मुझे अंडर 20 के में पोको X2 लेना चाहिए या वेट कर लेना चाहिए? वेट करते रहोगे तो बहुत सारे स्मार्टफोन्स ऑफ कोर्स आएंगे ही आएंगे, बट 20 के अंडर पोको X2 लेना इज अ वेरी गुड डील. मैं ओपनली आपको बता सकता हूँ, इट्स अ वेरी गुड स्मार्टफोन. गो फॉर द रेड कलर वेरिएंट. मेरे पास रेड नहीं है, मेरे पास पर्पल है, एंड आई जेन्युइनली वांट द रेड कलर वन. सो अगर आप रेड कलर लेते हो या कोई भी कलर लेते हो, मेरे को ट्विटर पर DM करके अपने फोन की फोटोज भेजना भूलना. आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ. आदित्य जी इज द कमेंटेटर ऑफ द डे. वो कह रहे हैं, जस्ट वॉच द मॉर्निंग टेक्स्ट ऑफ एंड हियर वी गो अगेन. And you are the commentator of the day again, I believe. Aditya, आप पहले भी एक बारी commentator of the day बने हो, I guess. बताना comment section में आज पका रहे हैं. और आगे बढ़ते हैं stuff you should know की तरफ. हिमांश जी ने एक interesting fact हमें provide किया. वो कह रहे हैं, to survive the cold of winter months, many insects replace their body water with a chemical called glycerol, which acts as an anti-freeze against the temperatures. भैया जी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टेक एटलीस्ट 6-7 आवर्स ऑफ रेस्ट डेली, एज यू आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस देन द वीडियोज. That means a lot. Thanks a lot for that, brother. And rest करेंगे कभी. अभी rest करने का time नहीं आया. अभी again silver button चाहिए हमें. उससे पहले मैं rest नहीं करूँगा. I know आप ये क्यों कह रहे हो. बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको dark circles वगैरह हो रखे हैं. आप थके हुए लग रहे हो. आप you know बीमार लग रहे हो. Yes, I am tired. I'm not well. But videos आपके पास time to time आती रहेंगी. And it's not just me. It's the entire team. It's the entire team which is working day in and day out. Or yes. हम सारे ही होप करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद है. बस इसके बाद अब मैं जाके वाइट वॉश पे लग जाऊंगा, मतलब खुद नहीं करूंगा, करवाने लगूं. सो अभी के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपने सुबह वाली वीडियो भी देख ली होगी. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उसको जाके भी चेकआउट कर लीजिए. अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी. गॉड ब्लेस यू ऑल. पीस. एंड सुबह की वीडियो में मेरे गमले को पसंद करने के लिए थैंक्स अ लॉट. सीरियसली बहुत सारे लोगों को मेरा गमला पसंद आया. स्मार्टफोन का लाइटिंग रेड कंडीशन जो कि एक 5G स्मार्टफोन होगा. अब Geekbench सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे स्मार्टफोन NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे स्पॉट हो चुका है. आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ. ओके, मेमोरियल एडिशन कुछ होता है, मेमोरियल एडिशन लेके चल लो, ये जो भी है वापस बोल रहा हूं. ये स्मार्टफोन रन करेगा Android 10 पे.